हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द केजेडा। दोस्तों मेरा नाम अतीन उस्मान है, आप देख रहे हो मेरे चैनल केजेडा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप बगैर नेम के एक अकाउंट 8ball pool का क्रिएट कर सकते हो एक ही मोबाइल को यूज़ करते हुए। एक्चुअली ये जो चीज़ ट्रिक है काफ़ी पुरानी है, कोई 1-2 साल पुरानी होगी और मैंने यूट्यूब से ही कहीं से निकाली है, बहुत जगह भी पड़ी हुई थी। तो इसमें बताने का मकसद यह है कि जो लोग सेलर होते हैं, बहुत से लोग मेरे चैनल पर ऐसे हैं जो सेलर होते हैं, कॉइन सेलर वगैरह, और जब वो अकाउंट सेल करते हैं तो उनका नेम जो होता है अगले बंदे को पसंद नहीं आता। तो उनके लिए ये ट्रिक है कि वो ये छोटी सी 1-2 मिनट की ट्रिक कर लें, ताकि आपका जो भी अकाउंट हो उस पर कोई नेम ना हो, जो भी बंदा बाय करे उसे वो उसे कुछ बाद में प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से अगर नेम चेंज ना भी करे, उसे ना भी आता हो तो वो आराम से उसमें खेल सके, उसे कुछ ऐसी परेशानी ना हो। वैसे भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ऐसी कुछ ट्रिक हो कि जिससे हमारा नेम ही कुछ ना हो अकाउंट का, अजीब सा लगे या ऐसा कुछ। फिर इंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों को पसंद आए वो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक से बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अगर मेरे चैनल पे न्यू आ गए हैं, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब किया हुआ होगा सबने, मुझे पहले ही पता है। बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर नहीं किया, वो भी किया हुआ है तो फिर आ जाएं, आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपली आपने प्ले स्टोर से कीबोर्ड तो आप यूज़ करते ही होगे, आप मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ फैंसी कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक करनी है तो इसके लिए आपको अल्फ़ा कीबोर्ड चाहिए होगा, IPA कीबोर्ड। इसका नेम है IPA कीबोर्ड, लेकिन इसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमको अल्फ़ा बीटा गामा वो वाले सारे अल्फ़ाबेट्स जो अजीब अजीब होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। और ये जो भी अल्फ़ाबेट हैं ये 8ball pool के सर्वर में नहीं डाले गए, मीन के ये जो भी फॉन्ट हैं ये 8ball pool के सर्वर में अवेलेबल नहीं है, तो ये गेम में शो ही नहीं होते अगर हम इनसे अकाउंट बनाते हैं। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों नहीं शो होते। ये इसलिए शो नहीं होते क्योंकि ये उनके सर्वर में ये वाले जो फॉन्ट हैं वो ऐड ही नहीं है पहले से। तो जब भी हम ये फॉन्ट बना के यूज़ करते हैं तो उनके सर्वर में कुछ भी शो नहीं होता। तो अभी आते हैं यहाँ पे, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है IPA कीबोर्ड। मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको सिखाने वाली है वो ये है कि आपने इस कीबोर्ड को सेट कैसे करना है डिफ़ॉल्ट पे। तो आपने सेटिंग में आना है, आपको लास्ट पे जाएंगे या आपको यहीं पर जहाँ पर भी सेटिंग में ढूंढेंगे आपको लैंग्वेजेज एंड कीबोर्ड या लैंग्वेजेज एंड इनपुट लिख जाएगा। इनपुट वाले में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा करंट कीबोर्ड। यहाँ पर आप जैसे ही करंट कीबोर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे पास HTC का मोबाइल है, इसमें कुछ ऐसा शो होता है। यहाँ पे भी चूज़ कीबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देखेंगे जो भी इंस्टॉल्ड है सबकी एक इनपुट जो होती है वो यहाँ पे है। तो हम फैंसी कीबोर्ड को करते हैं ऑफ और यहाँ पे IPA कीबोर्ड लास्ट पे ऐसे ऑन कर देते हैं, बैक जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दिखा देगा करंट कीबोर्ड जो है हमारे पास HTC है। यहाँ से पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं करंट कीबोर्ड जो है IPA जो है अल्फ़ा का कीबोर्ड जो है हमारे पास लग चुका है। अभी हम जाएंगे अपनी 8ball pool में, यहाँ से मैंने क्लोज कर देता हूँ और चल जाते हैं 8ball pool में। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप कैसे एक अमेजिंग अकाउंट बना सकते हो जिसका कुछ नेम ही नहीं होगा, मीन के अजीब सा लगेगा जब भी कोई आपसे विन करेगा या आप इससे विन करोगे, कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो अजीब सा लगेगा, या अगर आप सेलिंग वगैरह करते हो तो आप जब कस्टमर को दोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा कि यार कोई नेम नहीं है इसका, तो ठीक है। अभी यहाँ पर आप जाएंगे लॉग इन इन मिनी क्लिप क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यहाँ पर आपने फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने बाकी टाइप कर लिया, मैं यहाँ पे नेक नेम में जाता हूँ। यहाँ पे आपको 1, 2, 3 जो काउंटिंग होती है इसमें जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आपने इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो 2 आए थे गायब हो गए हैं तो यहाँ पे मैं 1, 2, 3 में जाता हूँ और यहाँ पर आपको ये 1 और 2 ये आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर किसी भी एक पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक हुआ है लेकिन वहाँ पर लिखा कुछ नहीं किया, मैंने आराम से वापस चल जाना है शराफत से। और यहाँ पर अभी मैं डेट ऑफ बर्थ जो है सेट कर लूँगा, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ सेट किया करनी है वैसी, बस ठीक हो गया सब कुछ। क्रिएट अकाउंट पे क्रिएट करूँगा और निकनेम मिसिंग क्या है कोई बात नहीं, दोबारा यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से कुछ लफ्ज़ हम लिख देते हैं जो कि इनविजिबल होंगे। और अभी आप देखें यहाँ पे हमारा अकाउंट बनना क्रिएट होना शुरू हो गया है और हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो भी चुका है। तो यहाँ पर हम चलें कुछ खेल लेते हैं आज बिगनर की उसे कुछ इंडरेक्ट आज खेल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मेरे अकाउंट का कुछ नेम ही नहीं है, ऐसे ही गुमनाम है, लावारिस है, कुछ भी नहीं है इसका, ना आगे है कुछ ना पीछे है कुछ। तो यहाँ पे चलें कुछ देखते हैं कुछ होता है तो। चल यार मैंने मैच लीव कर दिया, यहाँ पे आपको यही बस बताना था। आप सिंपली अभी इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की लोड़ नहीं है, जो सलाह है वो वैसे ही बस बनाएं,
सिर्फ ये कीबोर्ड इंस्टॉल कर लें, यहाँ पे ऊपर एक आपको मेन्यू अलहदा मिल जाएगा जो जिसमें आप ये एम्प्टी अकाउंट बना सकते हो, जब सेलिंग करो तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको आपकी जो कस्टमर है वो ज़्यादा आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। बाकी जो भी है शौकिया तौर पे कोई बनाना चाहता है तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बंदा हो जो कि अकाउंट बनाए और उस पर अपना नेम भी ना लिखे। वो लोग कोशिश करते हैं कि अपना नेम हो लाजमी उस पर, लेकिन बस वैसे ही है, पुरानी ट्रिक थी। मैंने कहा चलो दोबारा से आज अपलोड कर देते हैं, मेरे चैनल पर पहले नहीं थी तो ये ट्रिक थी, तो इसी आप इसे इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।